नमस्कार दोस्तों, एक नई वीडियो पे आपका फिर से स्वागत है। और आज हम रायपुर के वीडियो को कंटिन्यू करने वाले हैं और यहाँ हम आ गए हैं छत्तीसगढ़ विज्ञान केंद्र में, जो कि रायपुर में स्थित है। यह एक साइंस म्यूजियम है और यहाँ आप अपने बच्चों को लेके आ सकते हैं। जो स्कूली शिक्षा ले रहे होंगे उन्हें बहुत अच्छी लगेगी, जो कि खास करके साइंस फील्ड में हों। इससे पहले मैंने एक वीडियो नागपुर में भी बनाया था साइंस म्यूजियम का, उसका रेट ज़्यादा था, यहाँ का रेट कम है। और रेट के हिसाब से सुविधाएँ अभी तक तो मुझे लग रही है कि अच्छी है, तो आप यहाँ आ सकते हैं। दोस्तों, छत्तीसगढ़ साइंस सेंटर पहुँचने के लिए आपको रायपुर रेलवे स्टेशन से विधानसभा की ओर जाने वाली सद्दू रोड में आना पड़ेगा। रायपुर रेलवे स्टेशन से यह केवल 8 किलोमीटर की दूरी पर स्थित है। यह साइंस सेंटर रिलायंस मॉल के काफ़ी नज़दीक है। दोस्तों, सबसे पहले आपको साइंस सेंटर के परिसर में साइंस पार्क मिलता है, जहां पर विभिन्न प्रकार के भौतिकी से रिलेटेड प्रदर्शनी लगाई गई है। यहां देखिए दोस्तों, एक प्रदर्शनी साइज और डिस्टेंस को मापता है। यहां पर मेरा एक दोस्त सामने खड़ा हुआ है और मैं उसे यहां से देख रहा हूं और वो छिद्र से मीटर को शो करता है कि हमारी दूरी कितनी है। इसे मैं आपको ज़्यादा अच्छे से एक्सप्लेन तो नहीं कर पा रहा हूँ, लेकिन इसका आप एक्सपीरियंस कर सकते हैं। मैंने किया, मुझे बहुत अच्छा लगा। यहाँ पर एक दीर्घा सौर घड़ी को प्रदर्शित कर रही है। दोस्तों, सौर घड़ी के बारे में आप नहीं जानते होंगे तो बता देना चाहता हूँ आपको कि सौर घड़ी सबसे पुरानी उपकरण है जो कि समय बताता था, लेकिन यह सूर्य के प्रकाश की किरणों के माध्यम से ही समय बताता है, इसलिए इसका यूज़ केवल दिन के समय में ही किया जाता है। कुछ दूरी में स्थित दो मूर्तियाँ आप देख सकते हैं, जो कि आपस में किसी केबल वायर से कनेक्टेड है। इसका अनुभव करने के लिए दो लोगों की आवश्यकता होती है, एक जो बोल सके और दूसरा जो सुन सके। यहाँ बहुत सारे उपकरण खराब पड़े हुए हैं, उनमें से एक उपकरण ये खराब वाला है। ये पृथ्वी के घूर्णन गति को डिनोट करता है, साथ ही साथ पृथ्वी और चंद्रमा के रिलेशन को भी समझाता है। पास से उठावे ना टूट जाए का जल्दी जाने, और जितने दूर ना उठावे उतने कम उठे। उठबे नहीं करे। यहाँ पर आप जो प्रदर्शनी देख रहे हैं वो भार उठाने की तकनीक है। दोस्तों, अलग अलग भार उठाने की तकनीक है, आप इसे लीवर या हैंडल के माध्यम से उठाकर इसका एक्सपीरियंस कर सकते हैं। दोस्तों, अब आप देख रहे हैं फुलेरिन C60 का मॉडल। हीरा और ग्रेफाइट जैसे तत्वों में पाए जाने वाले कार्बन का यह एक मॉडल है, मगर इसके आकार का कंपेयर हम अगर ओरिजिनल मॉलिक्यूल से करते हैं तो यह उसका 300 करोड़ गुना है। इस मॉडल पर चढ़ के आप कार्बन के 60 परमाणुओं को देख सकते हैं। दोस्तों, वैसे इसकी संरचना को देखने से ही ये काफ़ी सुंदर दिखाई देता है। दोस्तों, चलिए दोस्तों, अब खेल खेल में ही बास्केटबॉल भी खेल लिया जाए। वैसे तो यह बास्केटबॉल कोर्ट नहीं है, ये एक फिजिक्स का ही एक एक्सपेरिमेंट है आप लोगों के लिए। यहाँ पर 3 फनल दिखाई दे रहे होंगे हर कोर्ट पे, यानी कि बास्केटबॉल कोर्ट ही समझ लीजिए उसे। अगर उसे मैं फेंक रहा हूँ तो वो कौन से फनल से बाहर निकलेगा, यह उसकी 1/3 संभावना को दर्शाता है। दोस्तों, और यहाँ पर ऐसी कोई भी संभावना नहीं है कि आप जिस फनल से चाह रहे हैं वहाँ से इसे बाहर निकालें। चलिए दोस्तों, अब साइंस पार्क से बाहर निकलकर अब हम इसके परिसर में स्थित बिल्डिंग में प्रवेश करते हैं, जहां साइंस से रिलेटेड आप लोगों के लिए बहुत कुछ जानकारियां हैं। दोस्तों, ये देखिए, यहां पर पहले तो आपको रिसेप्शन मिलेगा और यहां बोर्ड में आपको एक मैप मिलेगा, जिसके सहारे आप परिमापन दीर्घा, संसाधन दीर्घा, मनोरंजन दीर्घा, 3D शो और तारामंडल आसानी से पहुँच सकते हैं। दोस्तों, मतलब एक्चुअल तारामंडल में नहीं, बल्कि तारामंडल का एक शो होगा यहाँ पर, उसे देखने के लिए आप जा सकते हैं। यहाँ की हर दीवारों पे भी आपको कुछ ना कुछ नॉलेजेबल जानकारियाँ भी मिलेगी। दोस्तों, तो दोस्तों उसे भी मिस मत कीजिएगा, बिल्कुल उसे पढ़िएगा। दोस्तों, सबसे पहले हम मेजरमेंट गैलरी मापन दीर्घा में आ चुके हैं। दोस्तों, यहाँ आपको माना जाती है कि प्रारंभिक सभ्यताओं जैसे कि सिंधु घाटी सभ्यता, मिस्र की सभ्यता, मेसोपोटामिया की सभ्यता में प्रचलित वजन एवं मापन प्रणाली की प्रारंभिक जानकारियाँ जानने को मिलेगा। विशेषकर हमारी सिंधु घाटी सभ्यता जो कि 2600 ईसा पूर्व है, उसमें तौल एवं मापन प्रणाली काफ़ी उन्नत किस्म की थी।
यहाँ पर वॉल पेंट के माध्यम से मापन प्रणाली को चित्रित किया गया है। साथ में यहाँ पर आपको एक डिजिटल टैब भी दिखता है जहाँ से आप बहुत सारी जानकारियाँ एकत्रित कर सकते हैं। दोस्तों इसे टच करके भी आप देख सकते हैं, पढ़ सकते हैं, पुराने मापन पद्धतियाँ आपको पता चल जाएगी। दोस्तों चलिए दोस्तों यहाँ से अब आगे बढ़ते हैं और समयानुसार मापन पद्धतियाँ भी एडवांस होगी, मॉडर्न होगी। यह सेक्शन साइंस सेंटर का बहुत ही महत्वपूर्ण सेक्शन है दोस्तों, और बता देता हूँ ये थोड़ा सा कठिन भी आपको लगेगा। यहाँ आपको मापन पद्धतियों एवं तौल के मानक रूपों में सूक्ष्मतम से लेकर विकटतम रूप यहाँ आपको किस तरह से मापा जाता है जानने को मिलेगा। आप बोर्ड में कुछ तस्वीरें देख सकते हैं दोस्तों, यहाँ देखिए मैदान का परिमाप, बालों की मोटाई, आकाशगंगा का आयाम, फुटबॉल का आकार, यहाँ तक कि दोस्तों जीवाणुओं का परिमाप और पृथ्वी की मोटाई किस तरह से मापी जाती है, यह सारा चीज़ यहाँ आपको इक्विपमेंट मॉडल से जानकारियाँ मिलेगी। चलिए दोस्तों अब विभिन्न प्रकार के द्रव्य पदार्थों के पीएच वैल्यू ज्ञात करते हैं। ये चाय या कॉफ़ी है जिसका पीएच वैल्यू 5 है, लिक्विड डिटर्जेंट इसका पीएच वैल्यू 13, मिल्क यहाँ दूध का पीएच वैल्यू 6 दिया हुआ है, ये वाटर का पीएच वैल्यू 7 में देखिए। तो ये काफ़ी बढ़िया है दोस्तों, पीएच वैल्यू ज्ञात करने का और इसे याद करने का बच्चों के लिए काफ़ी अच्छा है। यहाँ पर आप अपना वेट और हाइट नाप सकते हैं। कुछ मॉडल आपको ग्रहों के बारे में जानकारियाँ देगी। ये देखिए टिकट आप देख लीजिए, तारामंडल और 3D शो के हमने टिकट लिए हैं, मात्र 10-10 रुपये के टिकट हैं। इस मापन दीर्घा को कंप्लीट करने के बाद हम सीधे 3D शो देखने जाने वाले हैं। यहाँ फिजिक्स से रिलेटेड बहुत सारे आयाम दिए हुए हैं, कुछ को तो मुझे भी रिविजन करना पड़ जाएगा क्योंकि बहुत समय हो गए हैं 11th-12th पढ़े हुए। यहाँ अपनी टूटी फूटी भाषा में मैं बच्चों को कुछ एक्सपेरिमेंट करके भी दिखा रहा था, जितना मुझे समझ आ रहा था और जितना मुझे नॉलेज था बच्चों को बताने की पूरी कोशिश किया। दोस्तों आगे हम वायुमंडलीय दाब को एक मॉडल के माध्यम से समझ सकते हैं। दोस्तों ये देखिए यहाँ हाइट दिया हुआ है, जितनी हाइट पे एरोप्लेन फ्लाई करती है वहाँ से, इनफैक्ट उसके भी ऊपर से जमीन की सतह तक वायुमंडलीय दाब को यहाँ बहुत ही अच्छे तरीके से दर्शाया गया है। दोस्तों आगे हम देखेंगे परमाणु के नाभिक में इलेक्ट्रॉन किस तरह से भ्रमण करता है, ये देखिए कैसे गोल गोल घूम रहा है, और प्रोटॉन किस तरह से इसे आकर्षित करेगा, आप इसे देखकर समझ सकते हैं। परमाणु अत्यंत सूक्ष्म कणों से मिलकर बना होता है जिसमें प्रोटॉन, न्यूट्रॉन और इलेक्ट्रॉन पाए जाते हैं। यहाँ सूक्ष्मदर्शी से छोटे जीवाणुओं की संरचना भी देख सकते हैं। चलिए दोस्तों अब आगे हम 3D शो देखने के लिए जाने वाले हैं। यहाँ से हमें 3D चश्मा भी मिल गया है और मात्र 10 रुपये में यहाँ जो 3D शो है ना वो आपको किसी भी बॉलीवुड मूवी से ज़्यादा जानकारियाँ देगी। दोस्तों इस 3D शो के कुछ अंश ही आपको शेयर कर रहा हूँ दोस्तों, क्योंकि कॉपीराइट स्ट्राइक आ जा रहा था। यहाँ हमें वायजर 1 और वायजर 2 स्पेस क्राफ्ट के बारे में जानकारियाँ मिलती है, जिनमें से वायजर 1 तो इंटरस्टेलर में भी पहुँचने वाली है। दोस्तों मैं आपको बार बार कह रहा हूँ दोस्तों, यह काफ़ी अच्छा 3D शो था जिसे हमने एक्सपीरियंस किया। जब भी आप रायपुर आएँ साइंस सेंटर जरूर आएँ और इसे ज़रूर देखिएगा। दोस्तों अभी हमारा मापन दीर्घा ख़त्म नहीं हुआ है और इसे मैं फिर से दिखा रहा हूँ आपको, क्योंकि हमारे 3D शो का समय हो रहा था इसलिए हम चले गए थे। अब वापस हम फिर से मापन दीर्घा में आ गए हैं। यहाँ हम आपको बायोमेट्रिक तकनीक से रूबरू कराते हैं। दोस्तों हर व्यक्ति का फिंगरप्रिंट अलग अलग होता है और इसे किस प्रकार से कैप्चर किया जाता है यहाँ आपको जानने को मिलेगा, जिसका यूज़ आजकल आधार कार्ड के वेरिफिकेशन में होता ही है, आप जानते ही हैं। इसके अतिरिक्त बायोमेट्रिक अटेंडेंस, लॉकर सिस्टम वेरिफिकेशन, बैंक के कार्यों में भी यूज़ किया जाता है। दोस्तों यहाँ आपको एक टच स्क्रीन मिलेगा जहाँ आप ब्रह्मांड को किस तरह से मापा जाता है उसके विभिन्न पहलुओं को जान सकेंगे। अब दोस्तों वीडियो में आगे बढ़ने से पहले मेरा एक छोटा सा अपील, आप मेरे इस YouTube चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, आप लोगों के लिए इस तरह के नए वीडियो लेकर आता रहूँगा। और मेरा यह वीडियो आपको अच्छा लग रहा होगा तो लाइक कीजिएगा दोस्तों, और साथ ही साथ अपने दोस्तों को भी शेयर कीजिएगा। वैसे तो मेरा लॉन्ग वीडियो थोड़ा लेट में ही आता है इसलिए आप ज़्यादा डिस्टर्ब तो होंगे नहीं, अगर आप चाहें तो नोटिफिकेशन ऑन कर लीजिएगा जिससे मेरे सारे वीडियो आपको मिलता रहे बीच बीच में। और आपको बता दूं दोस्तों लॉन्ग वीडियो देरी से लाने का कारण यह है कि मैं कुछ अच्छा कंटेंट लाने की कोशिश करता हूँ, केवल व्यूज़ पाने के लिए वीडियो डालना मुझे पसंद नहीं है। कुछ अच्छा कंटेंट जब बन जाता है और अच्छी जानकारियाँ जब मैं आपको देने के लिए तैयार हो जाता हूँ तभी वीडियो अपलोड करता हूँ। हाँ हो सकता है हफ्ते 2 हफ्ते में वीडियो अपलोड करूँ, लेकिन जब भी लॉन्ग वीडियो अपलोड करूँगा आप लोगों के लिए अच्छी जानकारियाँ लेकर आऊँगा। दोस्तों बात ही बात में मैं भूल गया, अभी हम साउंड मेजरमेंट देख रहे थे। यहाँ आप आवाज़ को dB में नाप सकते हैं और अलग अलग साउंड्स कितने dB की होती हैं वो आपको दिख जाएगा। इसके आगे भूकंप को कैसे मापते हैं वो सब जानकारी अभी आपको मिलेगी। ये देखिए
तापमापी यंत्र भी दिया है, जैसे थर्मामीटर जिससे हम बुखार का मापन करते हैं। इसके अतिरिक्त प्रकाश की तीव्रता को मापने के लिए लक्स मीटर का यूज़ किया जाता है। आगे हम दृष्टि मापन यंत्र देखेंगे। अक्सर ये आपको आई स्पेशलिस्ट डॉक्टर या तो फिर चश्मे की दुकान में देखने को मिल जाएगा। ब्लड प्रेशर का मेजरमेंट भी आपने डॉक्टर के पास अक्सर ही देखा होगा। दोस्तों, यहाँ आपको कलर ब्लाइंडनेस के बारे में भी जानकारियाँ मिलती है। कहीं कहीं पर आपको जहाँ लगे वीडियो को पॉज करके आप पढ़ लीजिएगा, अच्छी जानकारियाँ आपको मिलेगी। एक बात और शेयर करना चाहूँगा दोस्तों, यह साइंस सेंटर जो है वो केवल बच्चों के लिए नहीं है, यहाँ आप बड़े भी आ सकते हैं और अच्छी अच्छी जानकारियाँ प्राप्त कर सकते हैं। यहाँ स्टूडेंट्स के लिए काफ़ी अच्छी जगह है और उनके पेरेंट्स के लिए भी बहुत ही अच्छी जगह है दोस्तों, उन्हें भी बहुत कुछ नई नई जानकारियाँ सीखने को मिलेगा। हमारे देश में बहुत सारे ऐसे पेरेंट्स हैं जो अच्छी और ज़्यादा एजुकेशन नहीं ले पाए हैं, और ख़ासकर जो अंधविश्वास में डूबे हुए होते हैं उनके लिए ये काफ़ी कुछ सीखने के लिए एक माध्यम बन सकता है दोस्तों। दोस्तों, अब हम मापन दीर्घा से निकलकर मनोरंजन दीर्घा की ओर आ गए हैं। यहाँ पर आप एक इल्यूजन रिंग देख सकते हैं जो कि आपको घूमता हुआ भ्रमित कर रहा है। दोस्तों, आगे आपको मोयरे पैटर्न देखने को मिल रहा होगा, लेकिन अभी इसका सिस्टम ऑफ है इसलिए ज़्यादा जानकारी अभी मैं नहीं दे सकता। ये भी देखिए, ये नल वाला भी सिस्टम ऑफ है। अभी आप इसे बहुत सारे वीडियो में देखे होंगे, पानी का यह तेज बहाव रुका हुआ प्रतीत होता है। वीडियो में आगे अभी और भी अजूबे देखने को मिलेंगे। ये घूमता मुखौटा देख सकते हैं आप, ऐसा लग रहा है कि आप इस पैटर्न को जिस तरह से देखना चाहते हैं वैसा आपको दिखेगा, बस आपको अलग अलग डिस्टेंस में खड़े होकर देखना है। वीडियो आगे छोटे बच्चों को काफ़ी इंटरेस्टिंग लगेगा देखने में। यहाँ पर आपको एक कांच का ऐसा इल्यूज़न देखने को मिलेगा जो शरीर के पार्ट्स को ही गायब कर देता है और केवल आपके सर को दिखाता है। सबसे ज़्यादा लोग यहीं पर आकर फ़ोटो क्लिक करके जाते हैं दोस्तों। इस सुपर बाउंसी बॉल का भी एक्सपेरिमेंट आप करके देख सकते हैं। इसे आपको उछालना पड़ेगा। उछालने के बाद जो बॉल है, एक तो मेरे से नीचे आ गई थी, बाकी जो तीन बॉल हैं वो साथ साथ नीचे आ रही थी धीरे धीरे, और ऐसा गुरुत्वाकर्षण की वजह से हो रहा है। स्टेरियोस्कोप के माध्यम से आप टू डायमेंशन की तस्वीर को आप थ्री डायमेंशन में देख सकते हैं। इसके बाद अगला सेक्शन मेरा बहुत ही फेवरेट सेक्शन है, होलोग्राम का। इसके बारे में डीपली आपको जानकारी देने वाला नहीं हूँ, सिंपल वे में आपको बता देता हूँ। आप जाकर स्पाइडरमैन फार फ्रॉम होम देखिए या तो फिर सलमान खान की किक मूवी देखिए, आपको होलोग्राम के बारे में समझ आ जाएगा। 3D प्रभाव प्रदान करने के लिए 3D एनाग्लिफ का उपयोग किया जाता है, स्क्रीन पर आप देख सकते हैं। और इसके बाद एक और मेरे फेवरेट सेक्शन की ओर आ रहे हैं। इसे अनुभव करने पर बहुत अच्छा लग रहा था मुझे। इसका नाम रंगीन पिरामिड दिया गया है। यह एक कलरलेस, आई थिंक वाइट होगा, लेकिन रंगीन प्रकाश का इसके सरफेस पर जब टकराव होता है तो हमारी दृष्टि उस रंग से इस वाइट कलर को देखती है। और चूंकि यह वाइट घूमता हुआ पिरामिड है और इसके चारों ओर आई थिंक तीन ओर से लाइट लगी हुई है जो कि फिक्स्ड है, इस कारण हम अलग अलग रंग सरफेस में अनुभव करते हैं। दोस्तों, वीडियो में आगे आप पाइथागोरस का सिद्धांत देख लीजिए। स्कूल में आप पाइथागोरस प्रमेय पढ़े ही होंगे, कर्ण का वर्ग बराबर लंब का वर्ग धन आधार का वर्ग। चलिए दोस्तों, आप थोड़ा म्यूजिक कोडिंग सीखते हैं, अच्छा लगेगा आपको। ये देखिए दोस्तों, एक कोटेड रिंग है, इसके अंदर सिक्के भरे पड़े हैं, चिपके हुए से नहीं है लेकिन यह इसके अंदर है। और जब हम इस रिंग को घुमाते हैं तो गुरुत्वाकर्षण की वजह से सिक्के नीचे आते हैं लेकिन धीरे धीरे आते हैं, इसलिए इस पैटर्न को आलसी सिक्कों का नाम दिया गया है। इसे शक्ति रेखाएं का नाम दिया गया है। वास्तव में यहाँ बीच में एक चुंबक लगा हुआ है जो कि अपनी परिधि में घूम रहा है, यानी कि गोल गोल एक ही स्थान पर घूम रहा है और आसपास की कंपास में लगे सुई को अपनी ओर आकर्षित कर रहा है। यहाँ भी आप चुंबक के आकार को पहचानने की कोशिश कर सकते हैं। ये जो ब्लैक कलर आप देख रहे हैं, वास्तव में ये छोटे छोटे लोहे के टुकड़े हैं जिन्हें चुंबक अपनी ओर आकर्षित कर रहा है। दोस्तों, अब हम मनोरंजन दीर्घा से भी बाहर निकल गए हैं। आगे किसी नए सेक्शन में जाने से पहले यहाँ हमें पेड़ों के पत्तियों के सूक्ष्मतम रूप को दिखाया गया है।
बायोलॉजी और वनस्पति विज्ञान से संबंधित जानकारियां हैं। दोस्तों अब हम छत्तीसगढ़ साइंस सेंटर रायपुर के संसाधन दीर्घ की ओर जा रहे हैं। यहां आपको छत्तीसगढ़ राज्य के रिसोर्सेज के बारे में बहुत सारी जानकारियां मिलेगी। जैसे ही आप अंदर प्रवेश करते हैं तो पहले पड़ाव में ही आपको छत्तीसगढ़ का एक डिजिटल मैप देखने को मिलेगा। यहाँ पर बहुत सारे स्क्रीन भी है जहाँ छत्तीसगढ़ के अलग अलग जानकारियाँ आपको मिलेगी, जिसमें छत्तीसगढ़ का निर्माण, उत्पत्ति, उद्योग, लिंगानुपात, जनसंख्या, इसके बारे में जानकारियाँ देखने को मिलती है। आप इसे देखकर पढ़ सकते हैं। दोस्तों यहाँ पर एक लैंडलाइन फोन दिया हुआ है और यहाँ पर बहुत सारे पक्षियों के चित्र दिए हुए हैं, जैसे वहाँ मयूर और यहाँ दिया हुआ है एक नंबर। अगर आप इसे कान पे लगाते हैं और एक नंबर लगाएंगे तो आपको मयूर का आवाज़ सुनाई देगा। मैं आपको सुना भी देता हूँ। इसी तरह का अनुभव आप जंगली जानवरों के आवाज का भी कर सकते हैं दोस्तों, और ये वाला टेलीफोन बिल्कुल निशुल्क है दोस्तों। वीडियो में आगे प्रश्नोत्तरी सेक्शन की ओर जा रहे हैं। आप देख सकते हैं अभी खाली नहीं था इसलिए हम इसका एक्सपीरियंस नहीं किए। यहाँ स्क्रीन में कुछ प्रश्न आते हैं जिसका आपको जवाब देना होता है बजर के माध्यम से, ABC बटन प्रेस करके। एक मॉडल आप देखेंगे जहाँ चरखे से कपड़े की बुनाई की जा रही है और कुछ कपड़े यहाँ पर जो बुने हुए कपड़े होते हैं उसे भी यहाँ रखा गया है। लोहे के निष्कर्षण से कैसे उसे पिघलाकर औजार बनाए जाते हैं उसे यहाँ दिखाया गया है। यह एक प्राचीन ग्रामीण पद्धति है दोस्तों, और इसके आगे हम आधुनिक पद्धतियाँ देखते हैं। बॉक्साइट से एल्युमिनियम कैसे बनाया जाता है उसे देखते हैं दोस्तों। कोयले का उपयोग बिजली पहुँचाने के लिए कैसे किया जाता है, किसी चट्टान से सीमेंट कैसे प्राप्त किया जाता है, ये सारे चीज़ें एक मॉडल के रूप में उनके प्रोसेसिंग के साथ यहाँ आपको जानने को मिलेगा। यहाँ पर कुछ एल्युमिनियम और स्टील के बर्तनों को रखा गया है, उसके बीच आपको डिफरेंस बताया गया है एल्युमिनियम के बर्तन कैसे होते हैं और स्टील के बर्तन कैसे होते हैं। और हमारे छत्तीसगढ़ का भिलाई स्टील प्लांट तो काफ़ी प्रसिद्ध है। भिलाई स्टील प्लांट की बहुत अच्छी झांकियाँ यहाँ आपको देखने को मिलेगा। एक ब्लास्ट फर्नेस का प्लांट बेस्ड मॉडल है जहां पत्थर और लौह ऐश को गर्म करके पिघलाया जाता है। शिल्प कला सेक्शन की ओर आते हैं और बहुत सारी शिल्पी यहां आपको देखने को मिलेगा दोस्तों। शिल्प कला के कुछ उदाहरण यहां आपको देखने को मिल रहा होगा। ये पर्स देख लीजिए, कुछ मूर्तियां हैं छोटी बड़ी, उसे भी आप देख सकते हैं। संसाधन दीर्घ में धान के बारे में जानकारी ना हो ऐसा हो नहीं सकता। छत्तीसगढ़ को धान का कटोरा कहा जाता है और अलग अलग किस्मों के धान का मॉडल यहाँ आपको देखने को मिलेगा। यहाँ देख सकते हैं आप, उसमें नाम भी लिखा हुआ है। चावल से बनाए जाने वाले दो व्यंजनों को यहाँ बताया गया है, बासी जिसे तो हम खाते रहते हैं और दूसरा फरा होता है। मैंने फरा व्यंजन को भी खाया है, आप खाए हैं कि नहीं ये बताइएगा मुझे। ग्रामीण क्षेत्रों में फरा और बासी के बारे में ज़्यादा जानकारियाँ होती है, वैसे शहरों में भी अक्सर बासी खा लेते हैं, खास करके गर्मी के सीज़न में। छत्तीसगढ़ के संसाधनों के दीर्घा में अब हम आ चुके हैं भूगर्भ की ओर। छत्तीसगढ़ में कौन कौन से चट्टान पाए जाती है, औषधि, आग्नेय, रूपांतरित, ये सारे चीज़ें यहाँ आपको बताया गया है और पैटर्न के माध्यम से भी समझाया गया है, इसे आप देख सकते हैं बोर्ड में। भूगर्भ में जिस प्रकार के सेल मिलते हैं उपजाऊ जमीन उसी पर निर्भर करते हैं दोस्तों। कौन से किस्म के फसल यहाँ उपजाऊ हैं यह भूगर्भ की संरचना पर निर्भर करता है। कुटुमसर गुफा का भी एक मॉडल यहाँ पर बना हुआ है। मैं बस्तर से तो हो आया हूँ, वहीं है कुटुमसर गुफा, लेकिन कुटुमसर गुफा तक नहीं पहुँच पाया था। उसके खुलने का एक पर्टिकुलर सीज़न होता है, आप जब भी जाएँ तो सीज़न में जाइएगा। दोस्तों संसाधन दीर्घा से अब हम बाहर निकलकर एक अस्थायी दीर्घा की ओर पहुँच चुके हैं जहाँ जैव विविधता के बारे में बहुत सारी जानकारियाँ आपको देखने को मिलेगा। हमारे जीवन में पानी की कितनी महत्ता है इसके बारे में यहाँ आपको जानकारी मिलेगी दोस्तों, और मैं पीने की पानी की बात कर रहा हूँ दोस्तों। दोस्तों यहां से निकलकर अब हम पहुंच गए हैं तारामंडल सेक्शन में, जहां पर हम एक मूवी देखेंगे मात्र 10 रुपये में 20 मिनट अवधि की एक स्पेशल मूवी जो कि हमारे तारामंडल से संबंधित है। मूवी के वीडियोस आपको शेयर नहीं कर सकता, वही कॉपीराइट का चक्कर है, लेकिन अनुभव बताऊं तो 10 रुपये में बहुत अच्छी जानकारी आपको मिलती है। तो ये 3D मूवी और दूसरी तारामंडल की एक मूवी, इसे आप मिस मत कीजिएगा दोस्तों जब भी यहाँ आ पाएंगे तो, क्योंकि ये जो शॉर्ट मूवी शोस होती है वो एक पर्टिकुलर टाइम पे ही दिखाई जाती है दोस्तों। तो ये आप टाइम का अगर
ख्याल रखेंगे तो मूवी आपसे मिस नहीं होगी। साइंस पार्क में एक रस्सा कस्सी कर रहे हैं, एक छोर पे ताकत लगाना ही नहीं पड़ता, दूसरे छोर पे आप कितना भी ताकत लगा लें खींच ही नहीं पाएंगे। तो ये वीडियो अब ख़त्म होने वाला है दोस्तों, कुछ यादगार पल। हेलो हेलो, माय नेम इज शिवम। शिवम शिवम द विजिटर ब्लॉग। माय यूट्यूब चैनल नेम इज शिवम द विजिटर ब्लॉग।